मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स क्लास। इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव रिवाइज द वर्ड सम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7। नाउ वी विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What fraction of a week is a day? अब हम सीखेंगे how to make a fraction. What fraction of a week is a day? एक दिन पूरे वीक का कितना फ्रैक्शन बनता है? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? अ डे। तो गिवन कितना हो गया? वन डे। और वन वीक में कितने डेज होते हैं? सेवन डेज। हमेशा हमें ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। वन वीक इज इक्वल्स टू सेवन डेज एंड गिवन कितना है हमें? वन डे। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा? वन अपॉन सेवन। क्या हो गया? वन अपॉन सेवन। Now, what fraction of a year is 8 months? 8 months पूरे ईयर का कितना फ्रैक्शन होता है? अगेन, वन ईयर और मंथ में क्या रिलेशन है? वन ईयर इक्वल्स टू 12 months। ठीक है, सो रिक्वायर गिवन कितना हमें? 8 months। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? हमेशा टोटल हमारा नीचे जाएगा और गिवन ऊपर आएगा। तो गिवन कितना? 8/12। क्लियर? और 8/12 इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। Now, next example. मैं इस revision में different types of examples आपको के help से पूरा topic revise करवाने करा रही हूँ, ठीक है? Now, write the following as mixed fractions. अब मुझे ये given है और इसको हमें mixed fractions में लिखना है। सबसे पहले mixed fractions क्या होते हैं? Mixed fractions are those fractions which contain both fractional part and the होल नंबर पार्ट। अब 6 लीटर 50 मिलीलीटर को आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड करेंगे, लीटर और मिलीलीटर का। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। अब इसको हम हायर यूनिट में, या तो लीटर को मिलीलीटर में करें या मिलीलीटर, हम हमेशा हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। तो 50 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे? 50/1000 लीटर। तो 6 लीटर 50 मिलीलीटर, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 लीटर प्लस 50 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हमने लीटर में चेंज किया, तो 50/1000 लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6:50/1000। ये वाला आपका बन जाएगा होल नंबर पार्ट एंड दिस बिकम योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो 6:50/1000 लीटर। क्लियर कि अगर आपको गिवन है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट, रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। आपको फ्रैक्शन को इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। जब भी किसी फ्रैक्शन को हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना होगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। जो भी एचसीएफ आएगा हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड कर देंगे। एक वे तो ये होता है, और सेकेंड वे क्या होता है कि हम सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। तो बेटर है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो बेटर है हम एचसीएफ फाइंड करें एंड डायरेक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट एचसीएफ से डिवाइड कर दें। तो रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म 256/572। सो टू रिड्यूस 256/572 वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 256 एंड 572। हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे एंड देन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एचसीएफ। हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो हम एचसीएफ बाय लॉन्ग डिविजन मेथड फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हमारा 572 डिविडेंड हो गया, 256 हमारा डिवाइजर हो गया। तो सबसे पहले 2 पे डिविजिबल है 512, 60 बिकेम योर रिमाइंडर, देन 256 बिकम योर डिविडेंड एंड 60 बिकम योर डिवाइजर। तो 60 × 4 = 240, 16 बिकम योर रिमाइंडर, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम योर डिवाइजर एंड 60 विल बिकम योर डिविडेंड। 16 × 3 = 48, 12 आ गया। ये स्टेप हम कंटिन्यू करते रहे टिल वी गेट 0 एज द रिमाइंडर। अब इस स्टेप पे हमारे पास 0 आया रिमाइंडर में, तो उसका डिवाइजर क्या है? 4, दैट मीन्स योर एचसीएफ इज 4। अब मेरे पास एचसीएफ 4 आ गया, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एचसीएफ से डिवाइड कर दें। तो 256/572 डिवाइडेड बाय 4/4 विच कम्स आउट टू बी 64/143। तो ये आपके पास डायरेक्ट लोएस्ट टर्म मिल गई। क्लियर कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करना है, आपको समझ में आ गया ना? और मिक्स में कैसे बनाना है वो भी क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट आता है फिल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू फिल करनी है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब यहाँ पे कौन सा साइन है? इक्वल का साइन है। दैट मीन्स ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस विच आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब 2 upon 5 is equals to box upon 15 is equal to 24 upon box। मुझे ये दोनों बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसे थ्री टाइप्स के तीन दो ब्लैंक्स गिवन है, तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन है, तो हम पहले दो फ्रैक्शंस को कंसिडर करके चलेंगे। तो 2 upon 5 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 15। तो पहले हम ये वाला दोनों केस कंसिडर करेंगे। अब मुझे ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर फाइंड करना है और डिनोमिनेटर मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस नंबर का डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन फाइंड करूंगी। तो हमने कंसिडर किया 2 upon 5 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 15। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्योंकि हमें गिवन है तो हम और आपस में इक्वल है तो हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 5 and 15? 5 into 3 इज इक्वल्स टू 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 आ जाएगा। अगर मैं नीचे 3 से कर रही हूँ तो मैं ऊपर भी 3 से ही करूंगी, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6 एंड 5 into 3 इज इक्वल टू 15। तो ये वाले बॉक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 upon 15। अब मैंने ये वाला बॉक्स फाइंड कर लिया, अब मेरे को ये नीचे ये वाला बॉक्स फाइंड करना है, तो अब मैं इसको कंसिडर करूंगी। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व 6 upon 15 इज इक्वल टू 24 upon box। आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ बॉक्स। अब मुझे डिनोमिनेटर फाइंड करना है, न्यूमरेटर्स गिवन है, तो आई विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन न्यूमरेटर्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 6 and 24? 6 into 4 इज इक्वल टू 24। अगर मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा तो नीचे भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 into 4 इज 24, 15 into 4 इज 60। तो मेरे पास ये ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो हमारे पास ये दोनों ब्लैंक की वैल्यूज आ गई, 2 upon 5 इज इक्वल्स टू 6 upon 15 इज इक्वल्स टू 24 upon 60। हमने दोनों बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आप इसको वापस से रिड्यूस भी करते हो तो यू विल गेट 2 upon 5 ओनली। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अरेंज द फ्रैक्शन 3 is to 1/8, 3 is to 1/2, 5, 2 is to 1/4, 1 is to 7/8, 4 is to 3/4 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन सारे फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देर आर टू वेज ऑफ अरेंजिंग इट। फर्स्ट वे इज कि हम ये पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, देन फाइंड द एलसीएम। हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड देन वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। और द सेकेंड वे इज कि हम पहले इसके होल नंबर्स को कंपेयर कर देते हैं। सिंस मिक्स फ्रैक्शंस आर गिवन टू यू, तो हम इसके इजिएस्ट वे है कि हम पहले इसके होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फॉर कंपेयरिंग दीज फ्रैक्शंस, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। यहाँ पे होल नंबर पार्ट क्या है, 3, again 3, then 5, then 2, then 1, then 4, 3, 3, 5, 2, 1, 4, ये है। अगर मैं पहले इनको ही अरेंज करती हूँ असेंडिंग में, दीज पार्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर कैन बी रिटन एज 1, 2, 3, 3, 4, 5। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब यहाँ पे सेम होल नंबर वाले कौन से हैं, 3 and 3, तो दैट मीन्स सिंस वी हैव नंबर 3 इज अपेयरिंग ट्वाइस, सो वी शैल कंपेयर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर्स। अब 3 नंबर हमारे पास दो पार्ट आ रहा है, तो ये बाकी सारे तो हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, बट 3 हमारे पास 2 times आ रहा है, तो मैं इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लूंगी मैं। तो इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 3 is to 1/8, एंड दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 3 is to 1/2। अब ये दोनों तो सेम हो गए, अब मुझे किसको कंपेयर करना है, 1/8 and 1/2। तो ऑन कंपेयरिंग 1/8 and 1/2, मैंने जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जोन सा डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाता है। मैंने बताया था ऑन हैविंग द सेम न्यूमरेटर्स द डिनोमिनेटर द ग्रेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन। तो 2 और 8 में 2 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, दैट मीन्स 3 इज टू 1/2
इज ग्रेटर देन 3:1/8, तो ये वाला हमारा 3:1/8 छोटा हो गया और 3:1/2 ग्रेटर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? मैं दोबारा समझा देती हूँ, क्योंकि 3 वाला नंबर हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा था होल नंबर में सेम, तो हमने इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर किया 1/2 एंड 1/8। सिंस दे हैव सेम न्यूमरेटर्स, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ वी हैव द सेम न्यूमरेटर देन द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। 2 और 8 में छोटा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर किसका 2, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 3:1/2 इज ग्रेटर देन 3:1/8। तो अब मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला 1 वाला कौन सा है, 1:7/8, तो पहले वो आ गया। देन 2 वाला कौन सा है, 2:1/4, वो आ गया। देन 3 वाले में पहले क्या आएगा, 3:1/8, देन 3:1/2, देन 4 वाला होल नंबर वाला आएगा 4:3/4, एंड लास्टली 5। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट अब हम सीखेंगे, हमने कंपेयर करना सीख लिया, असेंडिंग सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंप्लीफाई, 2:1/8 प्लस 2:1/2 प्लस 7:16, हमें इसको ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे, अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते, दैट मींस लाइक फ्रैक्शंस होते, तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करते। सिंस वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करके इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम मिक्स्ड है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 17:8, 5:2, 7:16। जब भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आएगा या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करके उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 और डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो हम 8, 2 और 16 का एलसीएम लेंगे, मैंने राइट साइड में एलसीएम ले रखा है, विच कम्स आउट टू बी 16। अब हम डिनोमिनेटर्स का रिलेशनशिप निकालेंगे, 8 और 16 का क्या रिलेशनशिप का, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे 16, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 34:16 आ गया। तो 17:8 और 34:16 आपस में इक्वल हो गए। 2 और 16 का क्या रिलेशन है, 2:8 इज इक्वल्स टू 16, तो नीचे 2 को 8 से करे तो ऊपर भी 8 से करूंगे, तो 40:16 आ गया। 16 और 16 1 से करना पड़ेगा, तो 7:16। ना 17:8 प्लस 5:2 प्लस 7:16 इज इक्वल टू 17:8, किसके इक्वल आया, 34:16 के। 5:2 किसके इक्वल आया, 40:16 के। और 7:16 इज इक्वल टू 7:16। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस बन गए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 34 प्लस 40 प्लस 7 कम्स आउट टू बी 81:16। अब 81:16 हमारा ये रिड्यूस नहीं होता है, दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, एंड इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया था हम आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लीव नहीं करते हैं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको मिक्स्ड में करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मैं वो भी रिवाइज करा देती हूँ, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने उसको मिक्स में चेंज कर दिया। हाउ टू चेंज इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन, हमने 81 को 16 से डिवाइड किया, 16:5 इज 80, रिमाइंडर आ गया 1, एंटी क्लॉकवाइज पुट करेंगे ये होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड डिवाइजर बिकम्स द डिनोमिनेटर, तो 5:1/16। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 6:7/8 माइनस 3:3/19। अगेन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, 6:7/8 माइनस 3:3/19, तो इसका इम्प्रॉपर आया 55:8 एंड इसका इम्प्रॉपर आया 60:19। हम ऐसे नहीं कर सकते कि होल नंबर में से होल नंबर को माइनस कर दें, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस कर दें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, दैट इज रॉन्ग। पहले हम इसको मिक्स में चेंज करें, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। 8 और 19 का मैंने राइट साइड में एलसीएम लेके शो किया हुआ है, विच कम्स आउट टू बी 152। अब 19 और 152 का क्या रिलेशन है, 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 152 आ जाए, यहाँ पे 19 है उसको हाइड कर दो, क्या बचा, 2:2:2, दैट मीन्स 19 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 152 आ जाए, 8 से, तो नीचे 19 को हम किससे करें, 8 से, और 8 को किससे करेंगे, यहाँ पे अगेन देखो 2:2:2, 8 होता है, इसको हाइड कर दो, क्या बचा, 19, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से, तो 8 नीचे 19 से करेंगे तो ऊपर भी 19 से, 55 into 19 is 1045 upon 8 into 19 is 152,
नाउ 60 और 19, 19 और 152 का क्या रिलेशन है? 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा, तो नीचे 8 से तो ऊपर भी 8 से, 16 टू 8 इज 480. नाउ 55 अपॉन 8 माइनस 60 अपॉन 19 इज इक्वल टू 55 बाई 8 किसके इक्विवेलेंट आया? 1045 अपॉन 152 और 60 अपॉन 19 आया 480 अपॉन 152. तो अब हम इनके बन गए लाइक फ्रैक्शंस, तो अब हम इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1045 माइनस 480 अपॉन 152 इज इक्वल टू, माइनस करो कितना आ गया, 565 अपॉन 152. अब क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? नो, इट्स नॉट रिड्यूसेबल. प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया कि हम आंसर इम्प्रॉपर में लीव नहीं करते, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऑन कन्वर्टिंग इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन 3:109 अपॉन 152 इज योर एग्जाम्पल. तो हमने फ्रैक्शन चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े. एक तो फ्रैक्शन बनाना सीखा, उसके बाद हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, फिल इन द ब्लैंक सीखा टू मेक इट इक्वल टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा. ठीक है, आई होप द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 7 आर क्लियर टू यू. थैंक यू.